तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रोजा तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन डाउट ये रहता है क्या गाने सुनने से रोजा टूट जाता है, क्या लिपस्टिक लगाने से रोजा टूट जाता है, क्या कुल्ली करने से रोजा टूट जाता है। तो आज ये सब डाउट पूरा क्लियर होने वाला है। तो मेरे पास है मौलाना इलियास कादरी साहब का वीडियो, तो वीडियो को जरिए से समझते हैं। तो लेट्स गो। मौलाना इलियास कादरी साहब, मेरा पहला सवाल है कि बार बार थूक निकलने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटेगा, चाहे उसकी हल्क में महसूस हो तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि हदीस शरीफ में। मेरा तीसरा सवाल है, क्या लिपस्टिक लगाने से रोजा टूट जाता है? अगर लिपस्टिक का मुंह में असर गया और वो उसका टेस्ट जो है हल्क में महसूस होगा ना, हल्क में महसूस होने पर रोजा टूटेगा वरना नहीं। मेरा पांचवा सवाल है, अगर घर में जो सब्जी बना रही होती है वो सब्जी चखने पर रोजा टूटता है? इसको चखना कहते हैं ना, हमारे यहाँ थोड़ा खा लिया जाता है तो इससे तो रोजा टूट जाता है। अलबत्ता सिर्फ चखने की जो असल तारीफ है क्या, जबान की नोक पर लगाया, लाई का नोक से मालूम लगाया, अच्छी तरह थूक दिया, हल्क में कुछ भी नहीं उतरा, इससे रोजा नहीं टूटता। क्या रोजे की हालत में मिसवाक या ब्रश करने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। मेरा दसवां सवाल है, क्या इंजेक्शन लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। मेरा बारहवां सवाल है, क्या रोजे की हालत में इतर लगाने से रोजा टूट जाता है? नहीं टूटता। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज आपको। और ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, तो फिर मुलाकात होती है एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़।